हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा। मेरे किचन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए एक नया रेसिपी, झींगा आलू का पोस्तो। तो चलिए, बंगाली डिश है। तो चलिए, मैंने इधर झींगा लिया है 3 पीस, आलू लिया है 3 पीस, और लिया है टोमेटो। टोमेटो ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हैं। तो अब हम झींगा का छिलका निकाल के इसको पीस पीस करके काटेंगे, आलू और झींगा को। तो चलिए काट लेते हैं, काट के आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए, झींगा और आलू को मैंने काट लिए हैं इस तरह से, और इसके साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में लिया है मैंने अदरक 1 टीस्पून, और लिया है टोमेटो, टोमेटो को पीस पीस काट लिया है, और लिया है कलंजी 1/2 टीस्पून से भी कम, और लिया है हरी मिर्च 3 पीस, सूखा लाल मिर्च 2 पीस, और लिया है तेज़पत्ता 2 पीस, और इसके साथ ऐड करेंगे पॉपी सीड यानी पोस्तो। देखिए, पोस्तों को हम पीस लेंगे, पीस के दिखाएंगे। तो देखिए, पोस्तों को हम इधर पीस लिए हैं। तो कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, इसमें तेल डाल देते हैं 3 टीस्पून। हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो सादा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं कलंजी। अब इसमें डाल देंगे अदरक, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, अब दे देते सूखा लाल मिर्च, अब देंगे तेज़पत्ता और हरी मिर्च, हरी मिर्च को डाल दिए है मैंने। अब दे देते हैं हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें नमक दे देते हैं स्वाद अनुसार। इसमें डाल देंगे टोमेटो, आलू हल्का सा फ्राई हो गया है, इसके साथ टोमेटो डाल दिए मैंने। अब इसे ढक के 2-3 मिनट पकाएंगे। तो ढक दिए है मैंने, अब 2-3 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटा देते हैं। तो देखिए, आलू मेरा अच्छी से फ्राई भी हो गया है, आधा बॉयल भी हो गया है। देखिए, आधा फुल हो गया, और जितना बॉयल होना बाकी है वो सब्जी के साथ अच्छे से हो जाएगी। इसके साथ ऐड कर देंगे झींगा, झींगा को दे देंगे। झींगा से पानी निकलता है, इसी पानी से आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। 1-2 मिनट इस तरह से चला लेंगे ताकि झींगा का कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ हम प्याज लहसुन कुछ भी ऐड नहीं किए, सिर्फ अदरक ही दिया है। अब ढक्कन देके 2-3 मिनट पकाएंगे। तो 2-3 मिनट हो गया, देखिए झींगा से पानी निकलना शुरू हो गया है, इसी से आलू भी अच्छे से बॉयल हो गया है। देखिए, आलू एकदम अच्छे से बॉयल हो गया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है एकदम। अब इसके साथ ऐड करेंगे पोस्तो, ये पोस्तों को हम पीस के रखे थे वही डाल देते हैं। थोड़ा कटोरी को धो के और थोड़ा पानी दे देंगे, और हम इसको 2-3 मिनट ढक के पका लेंगे। अच्छे से मिक्स्ड हो गया है पोस्तों के साथ झींगा और आलू। अब इसे हम ढक के और 2-3 मिनट पकाएंगे। तो ढक दिया है मैंने, 2-3 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटा देते हैं।
तो देखिए पोस्तो और झींगा आलू सब अच्छे से मिक्स्ड हो गया है। आप लोग चाहते इस तरह से ग्रेवी भी खा सकते हैं, नहीं तो और भी सूखा खाना चाहते तो और थोड़ा सूखा करना पड़ेगा। अगर मेरे रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करने के लिए मत भूलिए। प्लीज़ फ्रेंड जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए।